इतना बदल गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे पहली बार मुलाकात हो रही है। मैं अंदर जा रही हूँ, मुमानी ने देख लिया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये देखें भैया, ये कौन सी पिक्चर मिली है? जब आपको इतना मॉडलिंग का शौक हुआ करता था और आपने इतने लंबे बाल रखे हुए थे, और अब देखें कितना बुरा लग रहा है ये। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अरे तुम्हें पता है इसकी माँ ने वो हंगामा किया था, तमाशा लगा दिया था। जी की एक ख्वाहिश थी बंदा पूरा करने देता है। तो इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक भी नहीं है, अपनी मर्जी तो इंसान रोबोट में मसलत करता है। अरे बेबी कोई खास छोटे नहीं मेरे लव। अब आप ये पिक्चर देखो ना, प्लीज महीने तक हंसते रहे। ये वाली, ये कौन है? ये गंजी बच्ची कौन है? कौन है ये? वाह 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 जी, बेचारी का खत्मे कुरान था और माशाल्लाह इतनी सफाई थी सर पे कि जुओं का अंबार था। और डिनर से एक दिन पहले अम्मी ने सोचा कि इसके इसके बाल उतरवा देते हैं, तो फिर मशीन फिरी, लेकिन फिर मेरे को ख्याल है कि टीका भी लगाना है, तो फिर दुपट्टा पहना के उसे भी टांग दिया टीका। लेकिन देखे ना अब्बू, देखे अम्मी हमेशा मेरे से जुल्म करती थी, जब मेरे बाल थोड़े से लंबे होते थे गंजा करवा देती थी। ये कोई बात है करने वाली? कोई बात नहीं, शौक हुआ करता था मुझे लंबे बाल। हाँ जरा मैं ये पिक्चर लेता ना, फिर उसको मैं टैग करता इंस्टाग्राम पे। बिग बी मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी आपकी करूंगी। अरे ऑन इट यार, मॉडलिंग वाले इतनी गंदी गंदी पिक्चर्स पड़ेंगे ना, सारी टैग करूंगी आपको। खबरदार। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, ये जुल्म नहीं चलेगा मेरे साथ। बस एक ही पुरानी पिक्चर है। आगे करो आगे करो। अभी मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे फिर। अबू ये सितारा है ना? हाँ भाई हमारी सितारा है, कितनी प्यारी लग रही है ना, अभी भी इतनी प्यारी है। अम्मी के खौफ से तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलती है। आपको पता है पूरे घर के काम वो करती है, आपकी मुलाकात भी हो ही जाएगी उससे। वैसे भी अभी मुमानियों ने आ जाना है ना, तो एक नया सिलसिला शुरू होगा यहाँ पे एक लड़की चुनने का। खैर अब वो मुझे बताए ना, इसमें मेरी सितारा के साथ पिक्चर नहीं है? बिल्कुल गंज, जहाँ जहाँ गंज नजर आए। यार अब वो ऐसे तो नहीं करे यार। ये वो देखो, ये इसका गंज के बाद यहाँ भी दुपट्टे से छुपाई हुई है।